हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम, वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है, और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। अभी अभी बहेरिया जी बता रहे थे जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं, तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। पर मेरा मानना है कि भिलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई, और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखता नहीं। मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल एमएसएमई फोकस्ड हमारी सरकार का प्रयास भी रहता है केंद्र में, लेकिन आपको जरूर, आप सब मीडिया के बंधु हैं, आपको ध्यान होगा कि राज्य और केंद्र सरकार जब दोनों मिलकर काम करती है तभी उद्योग तेज गति से बढ़ता है। और अगर आप निवेशकों को